दोस्तों आज कुछ नया बात करने वाले हैं। आज बात करेंगे न्यू एक्सपेरिमेंट के बारे में। क्योंकि पहले जो सीइंग मशीन आया था वह हाफ शटल, उसके बाद जो मशीन आया फुल शटल। ये हाफ शटल क्या है, फुल शटल क्या है, और बिग मशीन क्या है, इलेक्ट्रिशियन मशीन क्या है, सिंगर क्या है, जैक क्या है, और फ्लैट मशीन क्या है, डिटेल्स में जानेंगे हर मशीन के बारे में, सबका काम क्या क्या है। तो आप लोग जो है दर्जी है और इसके बारे में नॉलेज लेना काफी जरूरी है कि आज के डेट में कौन सा मशीन लेंगे कि मैं काम फास्ट कर सकता हूँ, मेरा दुकान इंक्रीज कर सकता है। या नॉलेज जो है काफी नॉलेज रखना चाहिए। अगर जिस फील्ड में हो, आप दर्जी हो तो दर्जी के रिलेटिव पूरा फुल नॉलेज रखना चाहिए। सीइंग मशीन जिस कैटेगरी में आता हो, टी शर्ट सीने वाला हो या जींस सीने वाला हो, पैंट सीने वाला हो या ब्लाउज सीने वाला हो, किसी भी मशीन से हर चीज सिला जाता है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। और आजकल के देखा जाए मशीन जो फास्ट कारीगर है और उसको जो है हाफ शटल मशीन दे दिया जाए तो फास्ट काम नहीं हो पाएगा। हाँ, बट पहले के जो कारीगर थे उसी पैंट उसी मशीन पे जो है चार चार पांच पांच पैंट स्टिच किया करते थे। मैं सुना हूं, देखा नहीं हूं रियलिटी। फिर जो है फुल शटल मशीन आया, तो चलिए मशीन को दिखाते हुए बात करेंगे तो मजा ही कुछ और आएगा। तो चलिए डिटेल्स में आप सभी को सिखाते हैं। वीडियो काफी नया होने वाला है दोस्तों, पहले ही लाइक कर दे इस वीडियो को। पूरा देखने के बाद आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसमें से आप कौन से मशीन के बारे में जानते थे या नहीं जानते थे। चलिए डिटेल्स में समझते हैं। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है यही कि मैं इतने अच्छे तरीके से, मैं डेली जो है दो दो टॉपिक चूज करना पड़ता है कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, काफी मेहनत पड़ता है। तो आप सभी के लिए, आपका भाई इतना मेहनत करता है तो आप सब जो है सेकंडों नहीं लगेगा लाइक के बटन दबा दे। यार आप लोग लाइक करते हो, कमेंट करते हो, मैं मोटिवेशन हो जाता हूँ। मैं मोटिवेट होता हूँ तो आप सभी को मोटिवेट करने का काम करता हूँ। तो चलिए मशीन दिखाएंगे, फिर जो अच्छे तरीके से डिटेल्स में बात करेंगे। तो दोस्तों बगल में आपको ये जो मशीन दिख रहा है ये है हाफ शटल मशीन। इसमें क्या होता था कि ये हाफ शटल मशीन जो है जितने भी टेलर है वो अपने से इसको रिपेयरिंग कर लेता था। क्या अपने से जो है स्वयं रिपेयरिंग कर लेगा, जैसे कि इसका शटल देखे जो है वो बिल्कुल इतना बड़ा है। फुल शटल की बात करें तो जो बाद में बात करेंगे उसका शटल इतना छोटा आता है, रियल में आपके सामने दिख रहा है। तो चलिए इसको डिटेल्स में समझते हैं। ये जो हाफ शटल मशीन है ये आवाज ज्यादा करता है, बड़े मशीन के अकॉर्डिंग इसका आवाज ज्यादा है। उसके बाद जो है इसका जो चाल है स्पीड वो कम है, और जो इसमें काम करने का तरीका है इसका स्केल भी छोटा है। स्केल बोले तो जो बोर्ड होता है वो भी कम होता है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद बात करें तो इसमें बैक स्पेस नहीं होता है, जैसे कि दबाने से कपड़ा जो है अप डाउन अप प्रेस करता है, आगे भी जा रहा है और पीछे भी आ रहा है, वो जो है नहीं होता है इसमें। ओके, अब जो है चलिए आपको डिटेल्स में मैं चला कर दिखाऊंगा शटल मशीन में क्या क्या जो इसमें नया फंक्शन दिया है। उसके बाद जो है इससे बड़ी मशीन जैसे कि सिंगर हो गया, जैक हो गया, और बहुत सारा जो है ब्रदर हो गया, बहुत सारा मशीन है उसके बारे में बात करेंगे। फिर फ्लैट मशीन के बारे में बात करेंगे, फिर ओवरलॉक कितने प्रकार के आ रहे हैं आजकल उसके बारे में बात करेंगे। मेरे पास जितना नॉलेज है उतना ही शेयर करूंगा क्योंकि जमाना बहुत आगे निकल चुका है यार। जींस का देखा जाए तो एक एक जितना बड़ा मेरा ये एथी है दुकान है, इतना बड़ा बड़ा तो मशीन है, इससे भी बड़ा बड़ा मशीन है यार, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम उतना आगे नहीं बढ़ेंगे, मैं अपने दर्जी के अंडर में ही रहूंगा। तो ये जो मशीन है मेरे पास सिंगर का भी है और हिमालय का भी है और उषा का भी है। ओके, तो इसके कंपेयर में बता दूं कि जो छोटी मशीन होती है उससे काफी फास्ट होती है। इसका बोर्ड आप देख सकते हो, काफी बोर्ड जो है चौड़ा होता है। और इसके बाद क्या होता है कि इसका जो चाल होता है ना फास्ट होता है, ये देखिए, ठीक है, बिल्कुल फास्ट होता है और मजा आता है चलाने में, ज्यादा साउंड भी नहीं होता। ओके, और इसके बाद जो है बैक स्पेस, जैसे कि अब मैं यहाँ पे आपको कपड़ा रख कर दिखा, ये देखो दोस्त, इसको मैंने चलाया, कपड़ा जो है बिल्कुल आगे जा रहा है। अब देखो अब बैक करूंगा तो ये देखिए बैक किस तरीके से आ रहा है। अब देखिए आगे को आ रहा है, कैसे आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। ओके, इसको हमने दबा रखा, इसको छोड़ा, फिर आगे जाने लगा और इसको दबाया, फिर जो ये देखिए इस तरीके से। और उस पर इस पर रफू भी काफ़ी डेंजर होता है यार, इतना बेस्ट रफू होता है जिसका कोई जबर जवाब नहीं है। और इसमें जो धागा लगाते हैं इसमें जो है रहता है रील्स, उसके बाद जो है इसमें आता है, और इसमें से डायरेक्टली जो है ये नीचे वाले में आता है, ठीक है, ये झाल में आता है। यहाँ से झाल में आने के बाद जो है
इसमें आता है, टेंशन में आता है, ठीक। टेंशन के बाद जो है इसमें आता है, और इसके बाद जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ किसी किसी का रहता है, नहीं रहता है, नहीं तो डायरेक्टली जो है नीडिल में, ये देखिए नीडिल में आ जाता है। ओके, तो ये जो है अच्छे तरीके से आप समझ पाए, और इसका जो पौधान भी होता है काफ़ी बेस्ट होता है, पौधान में दिखा दूँ। और आप सब प्लीज़ ऐसा कमेंट मत करना कि इसके बारे में कौन नहीं जानता। दोस्त बहुत सारे ऐसा लोग है जो बहुत सारे लेडीज़ है जो नहीं जानता है, और आज भी लोग बहुत सारा मशीन खरीद रहा है तो उनको प्रॉब्लम होता है। मेरे पास कॉमेंट आया है तो मैं स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ, और जिन्होंने कमेंट किए हैं उनको मैं अच्छे तरीके से पहचान रहा हूं, और वो काफ़ी जो है मेरे करीबी है, मेरे हार्ट के जो है बिल्कुल समझ लो इतना कि वो मेरे दिल के नज़दीक रहते हैं। मैं उनको दिल से चाचा जान मानता हूं, और मैं उनके लिए जो है इस वीडियो स्पेशल बना रहा हूं, और हो सके उनके द्वारा बहुत सारे लोगों को भी ये मालूम चल पाएगा। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग मैं अपने जैक मशीन पर चलता हूँ, और वो जो है उन्हीं का देन है, सारा क्रेडिट जो है उन्हीं को जाता है, क्योंकि वो काफ़ी मुझे मोटिवेशन दिए। अब मेरे लाइफ का जितने भी सपना था उन्होंने सपना को साकार किया, तो मैंने बिल्कुल जुनून में आ गया कि यार यहाँ पे हर चीज़ हो सकता है, हर चीज़ हो सकता है। तो मेरा जो है सारा मोटिवेशन उन्हीं को क्रेडिट जाता है, मैं उन्हें दिल से सलाम बोलता हूँ। और ये आ गए अपने जैक मशीन के पास, इसका क्या फ्यूचर है, इसके फ्यूचर के बारे में जो है डिटेल्स में जानेंगे। इसका फ्यूचर देखो दोस्त क्या है कि यहाँ पे जैसे किसको हमने चालू किया, ठीक है, चालू करने का बटन आप देख रहे हो यहाँ पे ऑन ऑफ का जो है बटन दिया है चालू करने का, और किसी किसी का आप देखे होंगे मशीन में कि यहाँ पे होता है रेड और ग्रीन चालू करने के लिए। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है आपको दे दिया चालू पी लिखा हुआ आ रहा है ना, अब यहाँ पे आप यहाँ दाबोगे तो ये देखिए स्पीड बढ़ेगा, ठीक है, और इससे घटेगा ऑटोमेटिक। ओके, आप तो इतना समझ गए, यहाँ से स्पीड बढ़ेगी यहाँ से घटेगा। उसके बाद देखो यार इसमें जो धागा है दो दो दिया है, ठीक है, एक से जो है आप बैबिन कैप्चर कर सकते हो और एक से जो है चला सकते हो। तो ये जो है धागा यहाँ से देखियो दूसरे पास से धागा जो है इसमें लगा है, इसमें से यहाँ आया, इसमें से जो है झाल में गया है, झाल से जो है टेंशन में गया है इधर को, और फिर जो है नीडिल में गया है अच्छे तरीके से। और इसमें जो है फ्यूचर जो है इसमें लाइट दिया है दोस्त, ये देखो यहाँ पे मैं ये जो लाइट आपको दिख रहा है ये मशीन में ही लाइट है, ये देखो इसको मैंने ढक लिया, ये दिख रहा है इसी में लाइट दिया है अच्छे तरीके से। और ये एक एक टांकी को यहाँ से मैनेज कर सकते हो आप, तो इसका ये फ्यूचर है। इसमें तेल अंदर को नहीं डाला जाता क्योंकि इसमें तेल ऑटोमेटिक जो है तेल इसमें रहता है। और ये देखो यहाँ से इस तरीके से मैंने उठाया, ये देखो तेल जो है बिल्कुल इसमें भरपूर है, तेल जो है इसमें बिल्कुल स्टॉक रहता है आप देख रहे हो। और इसे जो है सफाई करना जरूरी है क्योंकि ये लगभग एक हफ्ता हो चुका है, तो हर हफ्ते में जो है इसको साफ करना चाहिए डिटेल्स में अच्छे तरीके से। ऐसे तो डेली साफ होता है बट ये इसको पूरा उठाकर अंदर का पूरा कचरा जो साफ करते हैं हफ्ते में एक बार करते हैं। यहाँ से देखो जो बैक स्पेस जाता है यहाँ से आप मैनेज करते हो, और ये जो है यहाँ से कम बेसी करते हो, सिलाई का टांकी कम बेसी करते हो। दोस्तों जब जो है इंटरलॉक मशीन नहीं था तो शॉर्ट में कांचा पका सिलाई होता था, कुछ जो है पहले जो है उल्टा में सीकर फिर सीधा में पलट कर, सॉरी पहले सीधा में जो है सिलकर फिर उल्टा करके सीने से जो है वो पक्का हो जाता था शॉर्ट या पक्का सिलाई होता था, आप ये देख सकते हैं। उसके बाद जो है ये इंटरलॉक मशीन आया, इसके बाद जो इंटरलॉक मशीन आया आप देख सकते हो पांच, ये तीन धागे का है उस दोस्तों, इतना तो डिटेल्स में मैं नहीं बताया। उसके बाद जो पांच धागा का इंटरलॉक मशीन है उस पर सिलाई और इंटरलॉक दोनों होता है, जैसे कि टी शर्ट। मैंने एक वीडियो में मोटिवेशन दिया हूं कि अगर आपका जो है दर्जी हो तो बहुत रीजन है कमाने का, आप टी शर्ट भी स्टिच कर सकते हो, कपड़ा टी शर्ट का रख सकते हो, उसको बनाकर ऑनलाइन सेल कर सकते हो, ऑफलाइन सेल कर सकते हो, या कस्टमर फिटिंग कराने का जो आजकल ट्रेंड चल रहा है जींस और टी शर्ट का, उसमें आप अच्छे तरीके से इंक्रीज कर सकते हो मनी को, तो कमाने का बहुत ज्यादा सोर्स है बट नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए जो है मैंने वीडियो में पहले बताया कि वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, तो फ्लैट मशीन बोले जिससे टी शर्ट जो है नीचे से मुड़ता है स्टिच होता है, तो कुछ इस टाइप का जो है फ्लैट मशीन दिखता है, आप देख लीजिए स्क्रीन पे अच्छे तरीके से, फ्लैट मशीन तो आप देख लिए। इसके बाद बात करते हैं स्टिचिंग, यानी कि जो इंटरलॉक की मशीन होती है पांच धागे वाला, जो सिलाई के साथ साथ इंटरलॉक दोनों एक साथ करते हैं, जैसे कि आप टी शर्ट में देखते हो, तो ये मशीन है देख लीजिए अच्छे तरीके से। ओके, तो ये दोनों मशीन अगर आप ले रहे हो तो आपका बहुत ज्यादा जो है इंक्रीज हो जाएगा दुकान, और आप छोटा मोटा फैक्ट्री भी समझ सकते हो उसको, क्योंकि आजकल जो जींस और टी शर्ट का ट्रेंड चल रहा है काफी बेस्ट है।
जींस के लिए आप जो जैक F4 मशीन देखे हो उस टाइप का बहुत सारा मशीन होता है, सिंगर है, ब्रदर है, जैक है, तो जैक इसलिए अच्छा है तो कम रेट में अच्छा मशीन मिल जाता है, आप जो आपको चाहे वो ले सकते हो। तो देखिए मैं दर्जी के रिलेटेड ऐसा वीडियो इसलिए बनाता हूँ दोस्त, ताकि आप सभी को नॉलेज मिले, मोटिवेशन मिले और अच्छे तरीके से आप इसको बढ़ावा दे पाए, क्योंकि मैं देखता हूं कि अगर बच्चे को अच्छा ज्ञान नहीं दिया जाए, अच्छे स्कूल में पढ़ाया ना जाए, उसको मोटिवेट ना किया जाए, तो जो बच्चा आज के डेट में इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है या ITC बहुत सारे कुछ जो कुछ बनता है, तो उसके अंदर बचपन से ही ये भर दिया जाता है, बहुत मेहनत से पढ़ाई किया जाता है, उसमें जो रोल होता है माता पिता को होता है, टीचर का होता है और स्वयं का होता है। तो इसमें माता पिता क्या करते हैं, मोटिवेशन देने का काम करते हैं, बच्चे को आदत लगाने का काम करते हैं कि नहीं ये काम को इस तरीके से करो, और टीचर क्या करता है कि रास्ता दिखाने को काम करता है, और बच्चा जो है उस पे चलने का काम करता है, तो चलते चलते लोग थक जाता है, तो उस समय गार्जियन जो उसको मोटिवेशन देता है अपने पटीदार में लेकर या अपने पड़ोसी को लेकर या किसी जो ऐसा व्यक्ति है जो उसके नाम धर्म से मोटिवेट हो जाते हैं लोग, तो उस तरीके से तो वो अपने लाइफ में कुछ बड़ा कर पाता है। अगर वो नहीं पढ़ेगा, अनपढ़ रह जाएगा, जैसे कि गार्जियन उसको कंपेयर ना करे, टीचर ध्यान ना दे, तो वो लड़का क्या इंजीनियर बन पाएगा, डॉक्टर बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। ये मेरा ओपिनियन था, इसलिए जो है मैं आप सभी को मेरे इस वीडियो पर व्यूज आए ना आए कोई टेंशन नहीं है, मैं मेरे को लगभग 5 ही व्यूज आएंगे काफी है, क्योंकि 5 लोग ही मेरे कारण अगर सक्सेस हो जा रहे हैं तो आप नहीं समझ सकते हो कि उनका दुआओं जो है कितना काम आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल धमाकेदार मोटिवेशन के साथ। जब तक आप लोग हमेशा हैप्पी रहा करो, खुश रहा करो। ये वीडियो कुछ आप सभी को बोरिंग लग सकता है तो पता नहीं कैसा लगेगा, बट मुझे जो दिल में आता है आप सब जो पूछते हो मैं बना देता हूँ कोई बिना टेंशन का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जिनके लिए स्पेशल मैं वीडियो बनाए हुए हैं, अगर मैं तो उनका नाम नहीं धर सकता क्योंकि उधर से स्टॉप है, तो चलिए अगर ये वीडियो उन तक पहुंचा है तो उनके लिए जो है सलाम है मेरे से बंदा को हेल्प करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।